क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक होंगे? मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरा नाम महनूर है, जैसा कि आप जानते हैं। आज मैं आपको स्मिथ मार्केट लेके आई हूँ। यहाँ की जो मार्केट है बेसिकली बहुत अच्छी मार्केट है, लोकल मार्केट है, और आप यहाँ से जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें, घर की टूल्स, फ्रूट्स मार्केट में जो है, वेजिटेबल, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। आपको मैं इंशाल्लाह जो मैं खुद परचेज़ करूँगी वो भी दिखाऊँगी, और जो विज़िट करूँगी वो भी दिखाऊँगी साथ साथ। तो चले मार्केट के अंदर चलते हैं। ये जो है एंट्रेंस है, यहाँ से ये सारी मार्केट जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, और हम यहाँ से जाएंगे। वो बेसिकली कार एंट्रेंस है, साथ साथ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा और क्या नहीं लिया क्योंकि मैं जो है 2-3 दफ़ा पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो मुझे कुछ ख़ास जो है यहाँ पे पसंद आता भी है और नहीं भी आता। यू नो बेसिकली लोकल जो मार्केट है, यहाँ पे हर कम्युनिटी का जो है बंदा आपको मिलेगा। गोरा क्या, काला क्या, पाकिस्तानी क्या, ये ना पाकिस्तानियों की है ना किसी की स्पेसिफिक, किसी की नहीं है, मिक्स है, मिक्स कम्युनिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग लगा के बैठे हुए हैं, सेकंड हैंड भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ है ऐसे। पेन पोर्टेबल ये देखें आप, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, ज़मीन पे क्या हर चीज़। ये देखें शूज़ वगैरह भी यहाँ पे, नाइस, वेरी नाइस। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ न्यू भी होती हैं चीज़ें, कुछ यूज़ में भी होती हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी बहुत होते हैं। मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मुझे कभी कभार पसंद आ जाती हैं। ये देखें टूल्स वगैरह, एवरीथिंग हैं यहाँ पे। हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों के साथ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कुछ, और देखना पड़ेगा, यहाँ पे छांटी मारनी पड़ती है बेसिकली। जैसे पाकिस्तान में हम लोगों को, मुझे अच्छी तरह याद है, मेला लगता था और हम लोग फटाफट सुबह उठ के चले जाते थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। मार्केट में आने के लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है 6 बजे के करीब, और 7:30 तक आपको जो है मार्केट में आ जाना चाहिए, वरना तब आफ्टर 8 o'clock आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपको 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से पहले यहाँ मार्केट में इन होना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की चीज़ें। देखें अब ये है पिलो पेयर, 30 pounds का। ओ माय गॉड, टेस्को में मैंने 10 pounds के 2 ले लिए थे ऑफ पे। ओ माय गॉड, कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी, मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो चीप भी होती हैं। ये मैं बेडशीट, इसका शीट कवर लेके गई थी ड्यूविट का, कौन से कलर में, ये कलर में लेके गई थी मैं, 5 pounds का था, और अभी भी 5 पे ही है। तो इस तरह करके ये हर चीज़ अवेलेबल है, कपड़े क्या, जूते क्या, एवरीथिंग इज़ है, फर्नीचर, ज्वेलरी, एवरीथिंग। देखिए हम अंदर थोड़ा सा आगे हैं, वो थोड़ा बाहर था, ये देख सकते हैं आप फर्नीचर वगैरह, वेरी नाइस। ये देखें आप बच्चों के टॉयज चीप में मिल जाते हैं। ये देखें ये फ्रूट स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, सेम फीलिंग लाइक अ पाकिस्तानी, यू नो। ये अचार वगैरह, एवरीथिंग इज़ हियर, यू नो। सो अगर कोई मुझे यूके से देख रहा है, मैनचेस्टर से बेसिकली, तो वो जो है स्मिथ फील्ड जो है उसको विज़िट ज़रूर करें, बहुत अच्छी अच्छी रीज़नेबल में चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे देखें क्रॉकरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, वेरी रीज़नेबल प्राइसेस में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिज़ाइन में आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। यही जो है ना मार्केट में, जब मेन मार्केट में जब ये चीज़ें जाती हैं ना, तो ये लोग एक्सपेंसिव बना के बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मतलब 4 गुना से भी कम जो है ना बिकती है। यहाँ से मैं जो है 2 sweater लेके गई थी, वेरी नाइस, मतलब अब तो वो यहाँ पे आई थिंक नहीं है, वो हैं रेड कलर के पीछे वाले, ये आजकल नए आ गए हैं शायद। मेरे पास इतने कपड़े हैं, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं वहाँ से कपड़े ले लेती हूँ, पता नहीं है, एक तो यहाँ तो मुझे ये मेरी हैबिट है, यहाँ फिर मैं क्या कहूँ इसे। ये देखें ओवन भी हैं यहाँ पे,
जो होता है सारा मशीनें वगैरह सब कुछ है। ये देखें आप, उसके बाद जो है हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड। यहाँ पे आपको पता है कि सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाए। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके मिलते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या शॉपिंग की है। सो बेसिकली मैंने जो है शॉपिंग वो इतनी कुछ ख़ास इस दफ़ा की नहीं है, क्योंकि जो है मैं लास्ट संडे जो है मैं कर रही थी थोड़ी सी शॉपिंग, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। अभी जो मुझे पसंद आया है वो ये है, पेन है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि मैंने इतना ही हैवी पेन है, एक सेकेंड मैं इसको निकाल के, हैवी पेन है, इसको मैं वॉश करूँगी और ये जो है आराम से मतलब ग्रिल पैन, मेरे पास ये नहीं था तो मुझे बस चाहिए था। तो ये देखें, ये बिल्कुल न्यू चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा अब जाहिर है रैश वगैरह तो मतलब होता ही है, ये मैं इसे क्लीन करूँगी एंड देन आई यूज़ इट। सो दूसरी चीज़ मैंने ये ली कि ये जो है कॉस्मेटिक का ऑर्गेनाइज़र, मतलब कुछ भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, बहुत प्यारा बहुत मज़ेदार सा मुझे बस लगा, मैंने ले लिया। और विदन ये कितने का है आप लोग यकीन नहीं कर सकते, 5 pound, कैन यू इमेजिन दैट? नो राइट, मैं भी देख के हैरान हो गई थी। हम मैंने बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की इस पर, तो मैंने बार्गेनिंग कर ली थी इस पर, मैंने बोला था कितने का दे रहा था, 15 के पता नहीं 12 का दे रहा था, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इतना इतने का नहीं लूँगी। तो फिर कर करके जो है ना बात, उससे मुझे ये कितने का मिला, 8 pound का ये पैन, 8 pound का, और ये 5 pound के 2 pieces। तो बस ये है, इसको मैं निकालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया है, इसमें तो मैं कोई भी अपनी लिपस्टिक वगैरह कुछ भी ऐसा रख सकती हूँ। ये एक मैंने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन वो जस्ट ये लिपस्टिक का एरिया है, वो शीन से लिया था मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपना ड्रेसिंग दिखाऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो ये इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जो है लगाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये ख़रीद लिया है, मुझे बहुत इसकी ना डिमांड थी कि मैं जो है ना इसका मतलब लूँ। और ये देखें जी, इसमें छोटी छोटी आप यूज़ होने वाली जो ज्वेलरी है ख़राब नहीं होगी, आप ये इसमें रख सकते हैं और अच्छा भी लगता है ड्रेसिंग के ऊपर ये पड़ा हो। और बस मैंने अभी के लिए जो है आज के लिए मैंने ये दो चीज़ें ही ख़रीदी हैं, और वेरी रीज़नेबल, बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड मतलब हैवी भी है, ये नहीं कि ये चीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैवी है, और ये तो बहुत ही हैवी है, पकड़ा नहीं जाता एक हाथ से, कैन यू इमेजिन? सो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सारा है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपसे शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लास्ट टाइम की शॉपिंग की थी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।